सिवनी जिले के लखनादौन तहसील पर बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा सिद्ध बाबा प्रांगण पर परिचय बैठक रखी गई, जिनमें समस्त बजरंग सेना के बजरंग भाई और महिला मोर्चा उपस्थित रहे। इस परिचय बैठक पर सभी के द्वारा एक दूसरे का परिचय किया गया और सभी का स्वागत सम्मान किया गया। बजरंग सेना एक ऐसा संगठन है जो कि गौ माता पर हो रहे अत्याचार और बाल शोषण जैसे आए दिन घटना के शिकार हो रहे इन सभी को देखते हुए एक ऐसा संगठन समाज पर आया है, जो समाज सेवा से लेकर गौ सेवा के प्रति अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर गौ माता की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और इससे समस्त कार्यकर्ता अपना आत्मसमर्पण कर गौ माता के प्रति सर्वस्व निछावर कर चुके हैं। बजरंग सेना के कार्यकर्ता और महिला मोर्चा सभी सदस्यों ने आज की मीटिंग पर आपसी वार्तालाप कर एक ऐसा विकल्प निकाला है, जिसमें सभी के द्वारा आपसी बातचीत पर गौ माता के प्रति और बाल शोषण के आए दिन हो रहे शिकार बच्चों के प्रति सरकार को एक ज्ञापन सौंपने को लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने एक योजना बनाई है। इन सभी पर हो रहे अत्याचारों को लेकर अवगत कराएंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सभी कार्यकर्ता द्वारा एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। उसमें सभी भ्रष्टाचार, गौ माता के प्रति हो रहे अपराध, बाल शोषण जैसी सभी गतिविधि रहेंगे और इसकी जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताई जाएगी। और सुमित जी, मैं आपसे एक जैसे कि गौ माता के प्रति अत्याचार हो रहा है, गौ माता रोड में पड़ी मिलती है, उनके प्रति कोई देखभाल नहीं हो रहा, उसके बारे में आपकी क्या राय? ये तो बहुत दुख की बात है कि आज हमारी गौ माता रोडों में एक्सीडेंट द्वारा उनकी मृत्यु हो रही है, आए दिन ऐसे बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें प्रशासन से भी कोई समय पर सपोर्ट प्राप्त नहीं होता है। तो हमें हमारा यही सबका लोगों का यही कहना है कि यार हमें प्रशासन से कुछ मदद मिलनी चाहिए, जिससे जो बजरंग सेना हमारा संगठन इस गौ रक्षा में काम कर रहा है, जिस उसमें उनको सभी लोगों को मदद प्राप्त हो सके। और इसके बारे में आगे की जो आपकी रणनीति बनाई है, यहाँ जो आपकी बैठक हुई है, उसके बारे में आगे के वो विचार क्या, आपके आगे इस संगठन के माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं? इस संगठन के लिए हमें प्रशासन से मदद चाहिए है कि भाई जो गौ माता बेसहारा रोड में घूम रही है, आए दिन उनकी रोड हादसे में मौत हो रही है, तो प्रशासन से हम और हमारा संगठन यह चाहता है कि हमें गौशाला बना के दी जाए, जिससे हमारा संगठन बहुत ही सभी भाई मेरे बहुत मेहनत से ये गौ सेवा में लगे हुए हैं, तो हमें गौशाला बना के दी जाएगी, तो हम गौशाला गौ सेवा के लिए हमें बहुत मदद प्राप्त होगी। हमारा प्रशासन से यही कहना है कि हमें गौशाला बना के दी जाए। हमने दीक्षित जी, आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जैसे कि आप युवा मोर्चा से जिला प्रवक्ता हैं, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? ये जो बैठक हुई